देख रहे हैं उर्दू न्यूज 24/7। शहीद कर्नल मुजीबुर रहमान के 12 साल बेटे के जुमले ने हर आंख को आश्वार कर दिया। बच्चे ने दरख्वास्त की, अंकल मेरे छोटे बहन भाइयों को मत बताना कि पापा को क्या हुआ है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की कोशिश को नाकाम बनाया था। डीआई खान में दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी से मुतालिक खुफिया इतलात मिली थी। खुफिया इतलात पर टॉनिक के करीब कार्रवाई की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में दो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को मार दिया, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद हो गए। उनका ताल्लुक अस्तूर के इलाके बंजी से था। सहाफ़ी हैदर नकवी के मुताबिक जिस वक्त कर्नल मुजीब को शदीद जख्मी हालत में CMH मुंतकिल किया जा रहा था, उस वक्त कर्नल मुजीब के 12 साल बेटे ने अपने बाप से लिपट कर शिकायत की कि ये तो चीटिंग है और आपने कहा था कि हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। इस लर्जाखेर मंजर को देखकर हर शख्स की आंख आजवार हो गई। बाजारा कर्नल मुजीब की तदफीन के मौके पर मौजूद कमांडर ऑफिसर को 12 साल मासूम बच्चे के मासूमाना सवाल ने फिर से हर आजवार कर दी। 12 साल बच्चे ने कहा कि अंकल मेरे छोटे बहन भाइयों को मत बताना कि मेरे पापा को क्या हुआ है। वाजे रहे कि कर्नल मुजीबुर रहमान एक बहादुर ऑफिसर थे जिन्होंने हर मौके पर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और दहशतगर्दों के साथ जंग लड़ते हुए अपने जान अपने वतन पर कुर्बान कर दी। ये बात भी नाकाबिले गौर है कि कर्नल मुजीबुर रहमान के 3 बेटे जबकि 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे की उम्र 12 साल है, जिसके मासूमाना सवाल ने तदफीन के मौके पर मौजूद तमाम अफराद को रुला कर रख दिया था। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर खबर पर रहे आपकी नज़र।